नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो म्हाडा के तहत जो स्कीम निकली हुई है, हाउसिंग स्कीम, जो लो कॉस्ट हाउस हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। हालांकि निकली तो ये 26 फरवरी की है, लेकिन अभी इसकी डेट जो है नज़दीक आ गई है, 29 मार्च इसकी लास्ट डेट है। पहले ही आपको बता देता हूँ, तो अगर आपने अभी तक नहीं भरा है तो आप इसको भर सकते हैं। इसकी वेबसाइट पे जाकर के, यहाँ पर मैं आपको शो कर रहा हूँ, देखिए इसकी वेबसाइट है, यहाँ पर आपको जाकर रजिस्टर करना होता है और फिर अपनी जो है डिटेल भरनी होती है, यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह, मोबाइल पे ओटीपी आता है वो आपने डालना है, ठीक है। अगर आपको इस बारे में पहले से नहीं पता है तो आप मेरी जो है कुछ कोई भी वीडियो उठा करके देख लीजिए, उसमें पता लग जाएगा कि कैसे कैसे अकाउंट बनता है। 3 प्रोसेस में आपका ये हो जाता है, ठीक है। पहले में आपने जो है अपना अकाउंट बनाना होता है, उसके बाद में आपने अपना फॉर्म भरना होता है और फिर अपनी पेमेंट करनी होती है और आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाता है। तो ये लो कॉस्ट हाउस है, 2700 इसमें टोटल यूनिट होंगी और ये जो है पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ एक जगह है, वहाँ पर उन इलाकों में जो है ये फ्लैट जो है बनाए जा रहे हैं और ये फिर बाद में अलॉट कर दिए जाएंगे। इसमें कुछ शर्तें भी हैं इनकी, तो शर्तें हम जान लेते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो 18 साल का है वो इसको भर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको इनकम का बता देता हूँ। देखिए, इसमें 4-5 तरीके के हैं, जैसे पहले EWS वाला है, फिर उसके बाद में LIG है, फिर MIG है, फिर HIG है, ठीक है, ये हो गए। तो इसमें मैं आपको बता दूँ, जिनकी सैलरी मंथली 25,000 से कम है वो EWS कैटेगरी में भर सकते हैं। 25 से 50 वाले जो है वो आपके LIG में भरेंगे और 50 से 75 वाले आपके MIG में, और 75 से ऊपर जितनी भी सैलरी है किसी की भी मंथली वो जो है HIG वाला भर सकता है, ठीक है। आप अगर पूरी डिटेल इसमें चाहिए और कोई भी डिटेल चाहिए तो आप जाकर के इस वेबसाइट पे, यहाँ सी ऑल पे देख सकते हैं। ये महाराष्ट्र, उसमें मराठी में है पूरा ब्यूरो इसका, आप उसको पढ़ सकते हैं अगर आपको मराठी आती है तो, ठीक है। फिलहाल तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इसमें जो है 500 रुपये का फॉर्म है, जो इसका जो फॉर्म आता है, प्लस GST आपको लगती है, ठीक है, 60 रुपये की वो GST, यानी 560 रुपये आपको रिफंड नहीं होंगे, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। बाकी रही बात फॉर्म की, तो मैं आपको बता दूं, जो EWS वाला है उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन फीस जो है 5,000 रुपये देनी है, जो कि रिफंडेबल है। उसके बाद LIG आ जाते हैं, वो 10,000 रुपये है। उसके बाद MIG के जो है 15,000 रुपये हैं और HIG वालों के लिए 20,000 रुपये हैं, ठीक है। ये रिफंड हो जाते हैं आपके अकाउंट में, अकाउंट आपने सही देना है वहाँ पर, और मोबाइल नंबर भी सही देना है, और व्हाट्सअप वाला हो तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है, ये आपने करना है। इसमें डॉक्यूमेंट की मैं बात कर लेता हूँ आपको। देखिए, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये तो मस्ट होते ही हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए आपको। एड्रेस प्रूफ में आप कुछ भी दे सकते हैं इसमें, जैसे पासपोर्ट है, वोटर आईडी कार्ड है, पानी है, बिजली का बिल है, वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। आधार कार्ड तो आपके पास है ही, वो भी आपने इसमें अटैच करना होता है। एक इसमें आपको फोटो लगानी है, पासपोर्ट साइज, मतलब सारी चीज़ें स्कैन करके आपने ये उसमें डालनी होती हैं। नेट बैंकिंग के थ्रू इसकी पेमेंट की जाएगी, ठीक है, ऑनलाइन। 12 अप्रैल को इसकी लिस्ट लगा दी जाएगी, जिन जिन लोगों का जो है स्क्रूटनी के बाद में फॉर्म सबमिट, मतलब सक्सेसफुल हो गया है उनका, और उसके बाद में 22 अप्रैल को जो है इसका ड्रॉ कर दिया जाएगा। जहाँ तक रिफंड की बात है तो वो 15 मई के आसपास किया जाएगा, अकाउंट में ही आ जाएगा। अगर आप कोई और जानकारी जानना चाहते हैं तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट के लिए आपको कमेंट करना होगा मुझे, और ऐसी ही जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हालांकि ये मैं वीडियो पहले बनाना चाहता था लेकिन मैंने नहीं बनाई, क्योंकि पहले से ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो हैं, ये खाली मैं रिमाइंडर के लिए वीडियो बना रहा हूँ। कोई भी दिक्कत आती है आपको फॉर्म भरने में तो आप मुझे जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं।